अगर मैं आपको पूछूं कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स कहाँ होते हैं, शायद आपका आंसर होगा इंडिया। लेकिन जी नहीं, ये नहीं आंसर है। दरअसल सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स अमेरिका में होते हैं। न्यूज 18 की इस रिपोर्ट में साफ साफ देखा जा सकता है टॉप माई लिस्ट, और इसमें यूएस टॉप पे है। 2018 में 22 लाख एक्सीडेंट्स यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए थे, और इसके पीछे दरअसल मुख्य कारण यही कहा जा सकता है कि सबसे पहले तो यूएस के पास बिगेस्ट रोड नेटवर्क है और यहाँ पर ड्राइवर्स की संख्या काफी ज्यादा है। ऑलमोस्ट हर घर में आपको कार मिल जाएगी। बट सेकेंड नंबर पे यहाँ पर शॉकिंगली जापान का नंबर आता है, जो कि काफी छोटा सा देश है, बट एक्सीडेंट्स के मामले में ये दुनिया में सेकेंड नंबर पर है। और फिर तीसरे नंबर पर आता है यहाँ पर इंडिया। ये जो चार्ट आप देख रहे हो, पिछले 6 साल का डेटा यहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है कि एक बार के लिए तो हमारे देश में ये एक्सीडेंट रेट घट रहे थे, लेकिन 2022 में ये जरा बढ़ते जा रहे हैं। हमारा वैसे तो टारगेट है कि आने वाले 5 से 6 सालों में 0 रोड एक्सीडेंट के मार्क तक टच किया जाए, लेकिन यहाँ पर प्रयास किए भी जा रहे हैं। आपको बता दें कि इन एक्सीडेंट्स के पीछे प्रमुख कारण है तो वो है इंजीनियरिंग फॉल्ट्स, जो कि फिर ब्लैक स्पॉट्स के रूप में तब्दील हो जाते हैं। इनके चलते हमारी रोड सेफ्टी काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है, दैट रिजल्ट्स इन 53 डेथ्स एवरी सिंगल डे इन द स्टेट। फर्दर अब न्यू स्पीड लिमिट्स लाए जा रहे हैं फॉर व्हीकल्स ऑन 2 लेन एज वेल एज 4 लेन हाईवेज, और रिसेंटली ये यूनियन मिनिस्टर गडकरी जी ने राज्यसभा में कहा था। आपको याद ही होगा कि हमारे देश का सबसे फास्टेस्ट एक्सप्रेसवे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का जो फेज 1 सेक्शन हाल ही में खोला गया था, उद्घाटन किया गया था, एक दिन बाद यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। खैर, ऐसे स्पीड लिमिट रेस्ट्रिक्शंस के चलते शायद ये जो आंकड़ा है एक्सीडेंट्स का, इन्हें नीचे लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर नोएडा ट्रैफिक पुलिस भी काफी नए नए इनोवेटिव स्टेप्स उठा रही है ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई करने में, एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग साइंटिफिक टेम्परामेंट्स इन तरह के रोड एक्सीडेंट एनालिसिस के लिए। और होपफुली आने वाले समय में ये जो मार्क है 5 लाख एक्सीडेंट्स एवरी सिंगल ईयर इन इंडिया, इसे हम जल्द ही नीचे ला सकते हैं ड्रास्टिकली। सो इसके बारे में आपकी क्या राय है, डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा।